कालिंजर दुर्ग बुंदेलखंड के इतिहास का साक्षी। यह कालिंजर दुर्ग विंध्याचल की इस पहाड़ी पर सदियों से गौरव से खड़ा है। कालिंजर का इतिहास इस दुर्ग से भी प्राचीन है। माना जाता है कि भगवान शिव ने इसी पहाड़ी पर काल को मारा था। शिव का एक नाम इसीलिए कालिंजर भी है। ऋग्वेद, महाभारत और पद्म पुराण में इस स्थान का उल्लेख शैव साधुओं के तीर्थ स्थल के रूप में आता है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र पर चेदी वंश का राज था। बाद में इस क्षेत्र पर मौर्य, कुषाण, गुप्त, गुर्जर, प्रतिहार और चंदेल राजवंशों का अधिकार रहा। ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चंदेल राजा चंद्र वर्मा ने कराया था, पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। कालिंजर दुर्ग पर अनेकों बार आक्रमण हुए। सन 1023 ईस्वी में महमूद गजनवी, सन 1530 ईस्वी में हुमायूं, सन 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी इसी दुर्ग पर आक्रमण करते समय तोप के गोले के फटने से प्राण घातक रूप से घायल हो गए थे। अकबर ने इस दुर्ग को जीतकर बीरबल को जागीर में दिया था। औरंगजेब के राज के आखिरी दिनों में बुंदेल राजा छत्रसाल ने सन 1689 ईस्वी में इस दुर्ग को जीत लिया था। बाद में ब्रिटिश कर्नल मार्टिन डेल ने सन 1812 ईस्वी में इस दुर्ग पर अधिकार किया। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित 1.5 किलोमीटर लंबा और 750 मीटर चौड़ा ये दुर्ग जमीन से करीब 900 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां से आसपास के गांव देहात का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। लाल बलुआ पत्थर से बनी दुर्ग की प्राचीर करीबन 6 किलोमीटर लंबी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस दुर्ग की दुर्गम पहुंच के बारे में ये लिखा था कि इस पहाड़ी के मध्य भाग की चढ़ाई बड़ी तीखी है, जो ऊपर पहुंचते पहुंचते खड़ी चढ़ाई हो जाती है। दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार अलग अलग समय में बने हुए 7 दरवाजों से होकर पहुंचा जाता है। पहला दरवाजा आलम दरवाजा कहलाता है। इसे आलमगीर औरंगजेब ने बनवाया था। दरवाजे की मेहराब पर एक फारसी अभिलेख उत्कीर्ण है। दूसरा दरवाजा गणेश दरवाजा है। तीखी चढ़ाई पर स्थित यह दरवाजा एक बुर्ज से रक्षित है। दरवाजे के नाम से प्रतीत होता है कि मूल योजना के अनुसार यही दुर्ग का प्रथम द्वार रहा होगा। चौबुर्जी दरवाजा, 2 द्वारों वाले इस दरवाजे पर 4 बुर्जियां थीं। बुद्ध दरवाजा, बुद्ध ग्रह के नाम वाले इस दरवाजे को स्वर्गारोहण द्वार भी कहते हैं। हनुमान दरवाजा, समय के साथ ये दरवाजा पूरी तरह से नष्ट हो गया है, अब इसका कोई अवशेष नहीं मिलता। लाल दरवाजा, इस दरवाजे का ऊपरी हिस्सा गिर गया है। बड़ा दरवाजा, 7 दरवाजों में सबसे बड़ा यह दरवाजा कालिंजर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसकी वास्तुकला की शैली के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे का निर्माण मुगल काल में हुआ होगा। बड़े दरवाजे के पास मानदाता चौबे का महल है। राजा छत्रसाल ने मुगलों से ये दुर्ग जीतकर मानदाता चौबे को इसका किलेदार नियुक्त किया था। जब अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर कब्जा किया, तब उन्होंने चौबे परिवार को किले से बेदखल कर दिया। ये रानी महल है। इस 2 मंजिला विशाल महल का निर्माण बुंदेल काल में हुआ था। इसके बीच में एक बड़ा आंगन है, जिसके चारों ओर खंबे वाले बरामदे हैं। मुख्य द्वार पर बना सुंदर छज्जा उसे और भी भव्य बनाता है।
पास ही वेंकट बिहारी मंदिर है। हिंदू और मुस्लिम वास्तुकलाओं की मिलीजुली शैली में निर्मित ये मंदिर बुंदेल काल का है। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा है और सामने आयताकार मंडप है। गर्भगृह के ऊपर गुंबद शोभायमान है। छत की मुंडेर खंभों वाली अनेक छतरियों से सज्जित है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। रंग महल। बुंदेल काल में निर्मित इस महल की सामने की दीवार तीन सुंदर छज्जों से सुशोभित है। अंदर एक बड़ा आंगन है जिसके चारों ओर खंभों वाला गलियारा है। जखीरा महल। इसका मुख्य द्वार विशाल तथा भव्य है। बुंदेल काल में बने इस महल की वास्तु योजना इसी काल में दुर्ग में बने अन्य महलों के अनुरूप ही है। मोती मस्जिद और शनिचरी ताल। जखीरा महल के ऊपर से इनका बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखता है। मोती महल। ये इमारत अब खंडहर ही रह गई है। ये महल बुंदेल राजा अमान सिंह ने 18वीं सदी में बन पाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जीर्णोद्धार किए गए इस दो मंजिला महल में एक विशाल आंगन है जिसके चारों ओर खंभों वाले बरामदे हैं। दुर्ग के परिसर में बिखरी पाई गई दुर्लभ प्रतिमाएं इस महल में सुरक्षित हैं। पत्थर महल मस्जिद। पास ही एक अन्य इमारत जो खंडहर में तब्दील हो चुकी है। आसपास अनेक प्राकृतिक तथा मानव निर्मित जलाशय हैं। सुर सर गंगा। दुर्ग की तलहटी में चंदेलों द्वारा बनवाया गया जलाशय जो बारिश के पानी से भरता है। बुढ़ा बुढ़ी ताल। गहराई में जाकर बने इस जलाशय के चारों ओर सीढ़ियां बनी हैं। माना जाता है कि इस जलाशय के पानी में रोगी को रोग मुक्त कर देने का गुण है। कोटी तीर्थ। यह जलाशय हमेशा से ही गहरी आस्था का स्थान रहा है। माना जाता है कि इस जलाशय में स्नान करने से 1 करोड़ तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। पुराने समय में जलाशय के चारों ओर अनेक सुंदर देवालय हुआ करते थे। वर्तमान में वो सब खंडहर में बदल चुके हैं। जलाशय की दीवारों पर देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां थीं जिन्हें कालांतर में प्लास्टर से ढक दिया गया था। मृगधारा नामक जलधारा को इसी जलाशय का पानी पहाड़ी के अंदर से होकर पहुंचता है। मृगधारा। पहाड़ी की चट्टान से निकलने वाली ये जलधारा अभी सूखी पड़ी है। पास के पत्थर पर 7 हिरण उत्कीर्ण हैं। माना जाता है कि ये 7 मृग कुशिक के 7 पुत्रों के प्रतीक हैं जिन्हें उनके दुराचरण के कारण महर्षि गर्ग ने श्राप दे दिया था और जो इस पावन स्थल पर आकर रहने से श्राप मुक्त हो गए थे। सीता सेज। इस प्राचीन गुफा में साधुओं के लिए बनाई गई पत्थर की एक शैया और मसनद है। पास में सीता कुंड जलाशय है जो अभी सूखा हुआ है। मंडूक भैरव। पहाड़ी की ढाल पर उत्कीर्ण ये मंडूक भैरव की भव्य और प्रतापी मूर्ति है। भगवान शिव के उग्र अवतार मंडूक भैरव कपाल की माला पहने हैं और क्रोध में एक हाथी को उठाकर उसके 2 टुकड़े कर रहे हैं। आसपास की चट्टानों पर अनेक अभिलेख और मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। उमा, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा अपनी पत्नियों के साथ, एक तीर्थ यात्री,
भक्त गण। ये नीलकंठ मंदिर है, कालिंजर दुर्ग का अनमोल रतन। माना जाता है कि समुद्र मंथन से निकले कालकूट विष को पीने के बाद बेचैन भगवान शिव को इसी स्थान पर स्नान करने के बाद ही राहत मिली थी। गुप्त काल में पहाड़ी को काटकर बनाई गई इस गुफा के अंदर 4.5 फीट ऊंचा मुखारविंद नीलकंठ शिवलिंग है, जो भगवान शिव के विष पीने के बाद के मुख को दर्शाता है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की गर्दन हमेशा नम रहती है। इसके चारों ओर एक संकरी परिक्रमा है जो अब बंद है। पाताल गंगा और स्वर्गारोहण ताल नामक दो जलाशय आसपास की चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। आसपास की चट्टानों पर अनेक मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। एक लघु देवालय, इसमें राम सीता व लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। धनुष बाण लिए एक भील, नंदी, सोते हुए नंदी, शिवलिंग, नवमुंडा देवी, चामुंडा देवी, चामुंडा देवी की एक अन्य मूर्ति, नरसिंह, भैरव, मंडूक भैरव, उमा, गणेश, सप्त मातृकाएं, नाचते हुए देवी देवता, चट्टानों पर उकेरे अनेक शिवलिंग, इन मूर्तियों में सबसे विशाल और भव्य मूर्ति विराट भैरव की है। 18 भुजाओं वाली इस असाधारण मूर्ति के साथ चामुंडा देवी की एक प्रतिमा भी है। चंदेल काल में गुफा के प्राचीन मंदिर के सामने खंभों वाला एक अष्टकोणीय मंडप जोड़ा गया था। आज उस मंडप की मेहराबें और नक्काशीदार खंभे ही शेष बचे हैं। मंडप के ये भव्य अवशेष मन को हर लेते हैं और चंदेलों की शानदार स्थापत्य कला और सौंदर्य बोध का संकेत देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की कालिंजर दुर्ग की विजय का इतिहास लिपिबद्ध करते हुए इतिहासकार हसन निजामी ने 13वीं सदी में लिखा था, कालिंजर दुर्ग, जिसकी मजबूती सारी दुनिया में अलेक्जेंड्रा की दीवार के बराबर मानी जाती है, आज फतह कर लिया गया। कालिंजर दुर्ग देखने आइए और इसकी भव्यता का आनंद उठाइए।